क्या होगा अगर पृथ्वी से एटमॉस्फेयर गायब हो जाए? अगर ऐसा होता है तो हमें दिन में रात का अनुभव होगा, यानी हमारा आसमान बिल्कुल काला पड़ जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर के कारण ही हमारा आसमान नीला है। यह बिल्कुल ऐसा होगा मानो जैसे आप लोग चांद पर आ गए हो। एटमॉस्फेयर न होने के कारण आप लोग कुछ सुन नहीं सकते, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। तब आप सिर्फ जमीन से वाइब्रेशन महसूस कर सकते हैं। आकाश से पंछी और प्लेन्स गिरने लगेंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर न होने के कारण हवा भी नहीं होगा जिसके सपोर्ट से वे उड़ पाए। पृथ्वी से सभी पेड़ पौधे पशु पंछी मर जाएंगे। आप लोग भी ज्यादा समय तक वैक्यूम में सर्वाइव नहीं कर सकते। यह बिल्कुल ऐसा अनुभव होगा मानो किसी ने एयरलॉक खोल दिया हो। एटमॉस्फेयर के गायब होते ही प्रेशर में काफी डिफरेंस आ जाएगा, जिसके चलते आपके कान फट जाएंगे और सलाइवा उबलने लगेगा। अगर आप सांस रोकते हैं तो आपके फेफड़े पॉपकॉर्न की तरह फट जाएंगे। यह बेहद दर्दनाक मौत होगी। अगर आप सांस लेते और छोड़ते हैं तभी आप 3 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। अगर आप ऑक्सीजन मास्क से भी सांस लेने की कोशिश करते हैं तब भी आप सांस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि लंग्स के अंदर और शरीर के बाहर के प्रेशर में काफी डिफरेंस आ जाएगा। अगर आपके पास प्रेशर सूट और ऑक्सीजन है तब आप जीवित रह सकते हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर न होने के कारण सोलर रेडिएशन फिल्टर नहीं हो पाएगा जिससे आपको सनबर्न हो जाएगा। एक छोटे चेंज के कारण पृथ्वी पर लाइफ खत्म हो सकती है, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसे हम लोग नुकसान ना पहुंचाएं।